Guys, how are you all? Rahul Garg here from Pune. And अभी just मैं fast track batch चल रहा actually I was going to just take that class तभी immediately ICI.org पे मैंने surf किया कल से check करने की कोशिश कर रहा था because एक market में rumor चल रहा था कि result आने वाला है and now it's confirmed on the ICI website that the results are going to be declared on 29th of July 6 PM. Obviously past tense पे कहते हैं कि 6 बजे से पहले आ जाएगा but चलो उस बात को छोड़ते हैं वो तो बहुत से लोग बता देंगे तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आप बच्चों को अब ये मत सोचना यार बधाई किस बात की क्योंकि इतने टाइम से एवरीबडी वॉज वेटिंग कि यार यार इंस्टीट्यूट बता नहीं रहा है बिकॉज यूजली ऐसा होता है हर बार की इंस्टीट्यूट 8-10 दिन पहले बता देता है लेकिन इस बार फाइनल के टाइम पे भी ऐसा किया 5-6 दिन पहले नोटिफिकेशन डाला और हमारे इंटरमीडिएट और आईपीसी के टाइम पे तो 29th को रिजल्ट है और आज डाल रहे हैं यार 3 दिन पहले सो पहले तो बहुत बहुत बधाई जैसा मैंने पहले कहा आपको कि रिजल्ट हमारा फाइनल डिक्लेयर होने वाला है एंड सबकी सांसें थमा देने वाले पल आने वाले हैं हम सब ये जानते हैं कि ये टाइम पीरियड कैसा रहता है एंड दो आई हैव गॉट द रैंक्स इन ऑल दीज एग्जाम सीएसी सीएमए एक्सेट्रा बट आई ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड द पेन और वो जो मूवमेंट होता है बेटा जब आप वहां पर स्क्रीन ओपन करेंगे उस दिन चेक करेंगे बार बार F5 रिफ्रेश रिफ्रेश करे जा रहे हैं और बार बार लिखा रहे टू बी डिक्लेयर लाइकली टू बी डिक्लेयर और इमीजिएटली वहां पर लिखा आ जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर्ड अरे यार बच्चा कहता घर वालों को तुम रूम से बाहर निकल जाओ और जैसे ही आप वहां पर अपना रोल नंबर इनपुट करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं और वो जो प्रोसेसिंग का टाइम है जो वो कुछ सेकंड्स होते हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि उसमें हार्ट बीट कहां तक बढ़ जाती है आपकी यार सो बट यही कहना चाहूंगा डोंट वरी एग्जाम दिए थे देखो यार तो ये पल तो हो गई हालांकि मैं इट वॉज दिस थॉट वॉज कमिंग टू माई माइंड कि जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया वो थोड़े रिलैक्स हो गए कि चलो हमारा रिजल्ट नहीं है बट दैट वाज नॉट अ गुड थिंग जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है तो फाइनली द डे इज गोइंग टू कम व्हेन यू ऑल विल बी विटनेसिंग योर रिजल्ट एंड रिजल्ट कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा उसकी बात उस दिन करेंगे आज टेंशन नहीं लेनी है हालांकि अगले 3 दिन आपकी नींद उड़ने वाली है मैं जानता हूं मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहने की जरूरत नहीं है बट फिर भी यही एक मैसेज देना चाहूंगा यार कि जहां इतना टाइम निकाल लिया अब तो 2 महीने से ऊपर हो गए आपके एग्जाम खत्म हुए थे वेदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और बोथ सो जब इतना समय निकाल लिया तो इन 3-4 दिन को आराम से निकालिए डोंट बी पैनिक एट ऑल और एक चीज मुझे याद आ रही है जैसे कि ये कहा जाता है कि यार जो आपका जब बड़े हो जाते हैं तो शादी की एज होती है एंगेजमेंट से लेकर जो शादी का टाइम पीरियड रहता है वो बहुत ही एक प्रीशियस टाइम पीरियड रहता है ठीक है ना तो सेम इस तरह का ये मैं टाइम पीरियड मानता हूँ एग्जाम दिया आपने और रिजल्ट आने वाला है और जब शादी से 3 जन पहले कार्ड छपके बटने शुरू हो जाते फिर आपके मन में एकदम से मतलब भूचाल सा चल उठता है क्योंकि जिंदगी का एक ऐसा फेज आने वाला है जिसके बारे में आप शायद प्रिपेयर्ड थे नहीं थे कैसा होगा कुछ नहीं जानते आप लाइफ पार्टनर कैसा होगा जिंदगी आगे कैसे चलेगी तो सेम वे यहां पर होने वाला है आपके साथ कि यस अब वो शादी की डेट जैसे वो होता है कि कार्ड छप गए तो वो एक डेट ठीक है ना जिसको अक्सर हम सीए उसमें तो बोलते हैं कि यार मौत का पैगाम आ गया है इंस्टीट्यूट रंगारंग कार्यक्रम करने वाले 29 जुलाई को उड़ गए तोते मित्रा दे तो चलो वट एवर द फेट विल बी वी हैव टू एक्सेप्ट दैट बट यस आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि चलो यार इंस्टीट्यूट ने इतना तो समझा कि रिजल्ट जरूरी है नहीं तो इस बार तो हमें यही लग रहा था कि इंस्टीट्यूट इसको August 1st week या 2nd week तक पोस्टपोन ना करते बिकॉज नवंबर एग्जाम के लिए टाइम फिर कम बचता है बट हेड्स ऑफ द आईसीएआई ऑल्सो कि उन्होंने कोशिश की कि टाइम पर समय पर रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए माई बेस्ट विशेज इज ऑलवेज विद यू गाइज So stay blessed. Don't worry at all. Love you all. Thank you. Bye bye.